हमारा टॉपिक है हाइपर पिगमेंटेशन या पिगमेंटेशन। इसके बहुत सारे नाम हैं। सबसे पहले तो मैं कुछ इसके नाम ले लूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको जो है वो फ्रैकल्स बोल रहे होते हैं, ये फ्रैकल्स नहीं होते। फ्रैकल्स जो होते हैं वो डॉट्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे डॉट्स जो हैं वो बने हुए होते हैं स्किन के ऊपर मोल्स की तरह के, ठीक है। और उनकी कुछ खास साइट होती है, एक खास एरिया होता है जहाँ पे वो बनते हैं, जैसे नोज ब्रिज ऑफ नोज पे बनते हैं और अपर चीक्स आंखों के बिल्कुल जो नीचे चीक्स का एरिया होता है उसके ऊपर बनते हैं। पूरे मुंह के ऊपर भी होते हैं लेकिन तब भी कॉन्सेंट्रेटेड एरिया यही होता है। फ्रैकल्स को उर्दू में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि इतनी डिफरेंट डिफरेंट लोग जो हैं वो एक ही चीज़ का नाम ले रहे होते हैं, आई कांट से मच कि उसको उर्दू में क्या कहते हैं। भारत जो पिगमेंटेशन है, एक्चुअली जब हम पिगमेंटेशन बोलते हैं तो उससे हमारी मुराद या हमारा मतलब होता है हाइपर पिगमेंटेशन, यानी कि किसी जगह के ऊपर पिगमेंटेड यानी कि डार्क स्किन से डार्कर कलर का पैच बना होना, और इस बना हुआ होगा तो इसको हम कहेंगे हाइपर पिगमेंटेशन। और ये आप यहाँ पर पिगमेंटेड पैच, और इसको जो है वो उर्दू में झाइयाँ बोलते हैं, और हमारी लैंग्वेज में डॉक्टर्स की लैंग्वेज में इसको मेलास्मा बोलते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें होता क्या है, ये क्या होता है? सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि हाइपर पिगमेंटेशन क्या होती है। हमारी स्किन के अंदर रंग बनाने वाले या स्किन बनाने वाले सेल्स होते हैं जिनको हम मेलानोसाइट्स कहते हैं। वो एक पिगमेंट या एक कलर बनाते हैं जिसको मेलानिन बोला जाता है, ठीक है। जहाँ पे पिगमेंटेड पैच होता है, जहाँ पे पिगमेंटेशन ज़्यादा हो जाती है, हाइपर पिगमेंटेशन जिसको बोलते हैं, जहाँ पे झाइयाँ बनी होती हैं, वहाँ पे जो स्किन होती है उसमें दो चेंजेस आ जाते हैं। जो पहला चेंज होता है, नंबर वन चेंज होता है, वो ये होता है कि नंबर ऑफ सेल्स जो है वो बढ़ जाता है। और नंबर टू क्या होता है, नंबर टू ये होता है उसके अंदर चेंज आ जाता है कि जो ईच सेल है, हर सेल जो है वो पिगमेंट भी ज़्यादा बनाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमारी जो स्किन है या जो भी जहाँ पे पिगमेंटेशन है वो एरिया हमें डार्कर देन नॉर्मल स्किन नज़र आता है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसकी टाइप्स क्या क्या होती हैं। एक होता है सन डैमेज, ठीक है, जिनको हम सन स्पॉट्स कहते हैं। जो सन स्पॉट्स होते हैं वो बेसिकली सन की वजह से पिगमेंटेड स्पॉट्स बन जाते हैं। फिर आ जाते हैं एज स्पॉट, ये एज रिलेटेड होते हैं मेनली, कि एजड लोग या जो मेच्योर स्किन होती है या एजड स्किन होती है उसके ऊपर आपको पिगमेंटेड पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, एज स्पॉट्स कहते हैं। उसके बाद आ जाता है जी मेलास्मा, ठीक है, इसका एज से कोई रिलेशन नहीं है, किसी भी एज में हो सकते हैं और पिगमेंटेड यानी कि आपकी स्किन से डार्कर कलर के पैचेस कहीं पे भी बन सकते हैं, ठीक है, और उस जिसको हम मेलास्मा कहते हैं। और उसके बाद एक और है, वो क्या है, वो है जी PIH यानी कि पोस्ट इंफ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। जैसे आपने देखा होगा कि कहीं पे कोई इन्फेक्शन रहे, कहीं पे कोई डर्माटाइटिस या एक्जिमा रहे, और या फिर कोई पिंपल्स बने वो ख़त्म हो जाते हैं या वो इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद वहाँ पे पिगमेंटेड पैच आ जाता है या छोटा सा पिगमेंटेड स्पॉट आ जाता है, इसको कहते हैं हम PIH, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई चीज़ की टाइप्स। अब हम आ जाते हैं कॉजेस। सबसे टॉप पे जो कॉज आएगी दैट इज सन डैमेज, यानी कि सूरज की शुआओं से जो स्किन को नुकसान पहुंचता है उसकी वजह से पिगमेंटेशन हो सकती है। फिर आ जाता है हॉर्मोन्स। जी हाँ, हमारे जो हॉर्मोनल चेंजेस होते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों को पीरियड्स में साइकिल्स में प्रॉब्लम होता है, वो उनके रेगुलर नहीं होते, इसका मतलब है कि उनके हॉर्मोन्स में कोई ना कोई डिस्क्रिपेंसी होती है, कोई इनबैलेंस होता है जिसकी वजह से उनको पिगमेंटेशन हो सकती है। PCOS में भी हो सकती है, इवन प्रेगनेंसी में बहुत होती है। आपने कॉमनली देखा होगा कि प्रेगनेंट लेडीज के अंदर जो है वो पिगमेंटेड पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं, जिनको झाइयाँ बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है जी एज। एज के साथ क्या होता है कि स्किन का वेयर एंड टेयर ज़्यादा होता जाता है, और स्किन की जो अपनी इम्यूनिटी है या अपने आप को हील करने की कैपेसिटी है वो पहले से कम होती जाती है। उसकी वजह से जो सनलाइट का डैमेज है वो एक्यूमुलेटिव होता है, जो इतने अरसे से हो रहा होता है तो वो अपीयर होना शुरू हो जाता है, और एज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसमें ज़्यादा वेयर एंड टेयर की वजह से आपकी स्किन जो है वो डैमेज होती है या आपका सेलुलर चेंज आ जाता है और पिगमेंटेशन हो सकती है। उसके बाद आ जाता है इन्फ्लेमेशन या इंजरीज। जी हाँ, जहाँ कहीं भी आपको कोई चोट लग जाए, चोट तो नहीं कह सकते, इंजरी का मतलब ये होता है कि सेलुलर क्या कहते हैं लेवल पे, सेल्स के लेवल पे आपको कहीं पे भी कोई इन्फ्लेमेशन होगी,
जैसे किसी भी किस्म का जो है वो एक्जिमा हो सकता है, इवन डर्माटाइटिस हो सकता है, इवन आपके जो है वो अगर एक्नी रही है या एक्नी रहती रही है तो उसके बाद भी जो है वो आपको वहाँ पे पिगमेंटेशन आ सकती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि ऐसी कुछ डिजीजेस होती हैं जिनमें पिगमेंटेशन होने का चांस बढ़ जाता है। ऐसा क्या है? इसमें ऑटो इम्यून डिजीजेज जो हैं वो होती हैं, उसके अलावा जो है वो मेटाबॉलिक डिजीजेज होती हैं, जैसे ऑटो इम्यून डिजीजेज, जैसे किसी को रूमेटाइड आर्थराइटिस है, जैसे किसी को जो है वो सोराइसिस है, ये मैं ऐसी मतलब डिजीजेज का नाम ले रही हूँ, शायद आपने उनको सुना हो, ठीक है। ऑटो इम्यून डिजीजेज के अलावा जो है और क्या क्या हो सकता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जिसमें आपने जो सबसे ज़्यादा कॉमन ही नाम सुना होगा वो है शुगर का या फिर डायबिटीज़ का, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी वाइटमिन डेफिशिएंसीज। हाँ जी, जो इसेंशियल वाइटमिन्स होते हैं उनकी डेफिशिएंसी जो है, या बॉडी के अंदर जैसे हीमोग्लोबिन कम हो जाए, वाइटमिन डी कम हो या वाइटमिन बी कम हो, तो हीलिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी और उसके साथ साथ जो आपका डैमेज है किसी भी चीज़ की वजह से, जो डैमेज है वो बढ़ता जाएगा और उसकी वजह से आपको हाइपरपिगमेंटेशन हो सकती है। इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस ऐसे होते हैं जिनकी वजह से सनलाइट की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है या बढ़ सकती है। उसके अंदर बहुत सारी मेडिसिंस हैं, जैसे बहुत सारी एंजियोलिटिक्स हैं, यानी कि एंजाइटी के प्रॉब्लम में जो दी जाती हैं। उसके अलावा और बहुत सारी ऐसी मेडिसिंस हैं जो कि बीपी में, यानी कि हाइपरटेंशन में दी जाती हैं, उनसे भी जो है वो ये हो सकता है। इसके अलावा HCQ वगैरह, इस किस्म की बहुत सारी मेडिसिंस हैं जिनको खाने से सनलाइट की एब्जॉर्प्शन बढ़ सकती है और उसकी वजह से इन टर्न पिगमेंटेशन हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम गलत तरीके से इस्तेमाल करके, या ऐसी चीज़ें भी हैं जो गलत तो नहीं है लेकिन उनको गलत तरीके से यूज़ करने से हमारी स्किन के ऊपर हाइपर पिगमेंटेशन हो सकती है। इतना ज़्यादा स्किन को ब्लीच करते हैं लोग पाकिस्तान में, आप पार्लर पे चले जाएं, सलून पे चले जाएं, वहाँ हर फेशियल के अंदर ब्लीच यूज़ हो रहा है, लोग घरों के अंदर हर 10 दिन के बाद ब्लीच करते हैं, ठीक है। उससे बहुत ज़्यादा स्किन डैमेज हो सकती है या होती है और उसकी वजह से आपको पिगमेंटेशन या झालियाँ बन सकती हैं, ठीक है, क्योंकि स्किन बर्न होना शुरू हो जाती है। उसके अलावा वैक्सिंग है, थ्रेडिंग है, ट्वीजिंग है, जिसमें आप अपनी स्किन को खुद से अपनी स्किन को ट्रिगर कर रहे हैं, उसको इरिटेट कर रहे हैं, फ्रिक्शन दे रहे हैं, उसकी वजह से भी जो है वो पिगमेंटेशन ट्रिगर हो सकती है, हाइपर पिगमेंटेशन। इसके अलावा जी सनबर्न है, मरी चले गए, नथिया गली चले गए, हाइट वाले एरियाज पे चले गए, और जी मेकअप तो कर लिया, फेयर एंड लवली तो लगा ली, लेकिन आपने सन ब्लॉक नहीं लगाया। जब आप सन ब्लॉक नहीं लगाएंगे तो ऐसी जगह पे, हाइट वाली जगह पे सनबर्न होने का चांस जो होता है वो 200% होता है। और सनबर्न जब उस वक्त होता है तब तो कोई हल्की मामूली सी खारिश आपको फील हो सकती है, या आपको ऐसा लग सकता है कि मुझे पता नहीं कोई एलर्जी हो गई है, लेकिन कुछ अरसे के बाद आप देखेंगे कि आपकी स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा आ जाता है जी सब स्टैंडर्ड वाइटनिंग क्रीम्स। जी हाँ, मैं उन्हीं वाइटनिंग क्रीम्स की बात कर रही हूँ जो आप सबको बहुत पसंद है, सस्ती से मिलती हैं और हर जगह से अवेलेबल हैं, और आप लोग ये लेके उसको लगाते हैं, क्या लड़के, क्या आदमी, क्या औरतें और क्या बच्चियाँ सब उसको ले लेके लगा रहे होते हैं, और उसकी वजह से जो स्किन डैमेज होता है वो इररिवर्सिबल होता है, इररिपेयरेबल होता है, और उसकी वजह से जो स्किन में चेंजेस आते हैं उसकी वजह से भी आपकी स्किन में हाइपर पिगमेंटेशन हो सकती है, ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं कि इसकी प्रिवेंशन क्या होती है, अगर हम इससे बचना चाहते हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए। इससे बचना चाहते हैं तो उसका एक बहुत ही ज़रूरी या बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है, वो है जी सन प्रोटेक्शन। जी हाँ, आपने अपनी स्किन को प्रोटेक्शन देके रखनी है। जब आपकी स्किन प्रोटेक्टेड होगी तो आप देखेंगे कि जो सन डैमेज है वो लीस्ट हो जाएगा, वो बहुत कम हो जाएगा, या उसके होने का चांस बहुत कम हो जाएगा, और उसकी वजह से आपकी स्किन जो है उसके ऊपर पिगमेंटेशन रिलेटेड इश्यूज नहीं आएंगे, ठीक है, नहीं आ सकेंगे। उसके अलावा क्या चीज़ होती है जो कि प्रिवेंट करने में हमें हेल्प करती है, हमें बचा के रखती है, दैट इज़ एंटीऑक्सीडेंट्स। जी हाँ, एंटीऑक्सीडेंट्स डिफरेंट तरह के होते हैं, वाइटमिन ई भी एंटीऑक्सीडेंट है, वाइटमिन सी भी जो है वो पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है। ये सारी चीज़ें जो भी एंटीऑक्सीडेंट्स होती हैं, ग्लूटाथायमोन जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है, ये सब जो है, इवन रेस्वेरिटॉल जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है, ये सब एंटीऑक्सीडेंट जो है वो हमारी प्रिवेंशन में हेल्प करते हैं।